ये गाइस हम आ गए हैं पेंगोंग लेक, जो थ्री इडियट वाले आमिर भैया थे ना वे चूतिया से, वहां पर आए हम। इर्टिगा में टोयोटा का लोगो भी लगा रखा, ये टोयोटा ही है और अब जो टोयोटा इर्टिगा भी बेच दी। टोयोटा डर रही है यार, बताओ चलने से भैया, थोड़ा आराम से है नी तेज आई तो भैया पैदल जाकर देखा एक बंदा। लेक और लेक का पानी देखोगे, यहाँ पे करी थी आमिर भैया ने अपनी शूटिंग की। वहां से निकलने के बाद कंटिन्यू वाटरफॉल ऑन रोड बने हुए हैं। यहाँ तो मजदूरी भेजते ना रही फोरेंस के साथ खाना पीना खाया नहीं सुनी हर पास पर पहुंच गया और बड़ी दिक्कत रह गया। पेंगोंग जाते समय रास्ते में एंट्री फीस, ये टू मच फन। गाइस हम एक जगह रुके हैं, यहाँ पे एक जानवर है मैमट्स नाम का, जो 6 मंथ सोता है और 6 मंथ जगह रहता है दिन रात। तो आपको दिखाते हैं पूरा सामने, ये रहा मैमट्स, खरगोश की तरह लग रहा है। ये 6 मंथ होता है और 6 मंथ डेस्टिनेशन पर पहुंच गए, बाकी फुली डेस्टिनेशन पर पहुंचने वाले हैं। ये अपने देश के जवानों की कार्य ने देखा, शिप वगैरह में क्या हो गया यहाँ? अच्छा नेवी का है ये, मतलब वैसे नहीं है ये एक्टिविटी। अच्छा मतलब इस लेक के परली तरफ ही चाइना, मतलब कुछ हिस्सा आता है उसी हिस्से के चक्कर में तो लड़ाई में जाने नहीं देता। आधा आधा है, आधा होता है। यू लेक लगभग 40% ही है, एक कलर से भी कम है, 40% में भी आ जाएगा 30 से 30। अच्छा जी, अरे बहुत लंबा है, आधे में तो जाने ही नहीं देते। कार अच्छा मेरे 3 इडियट के चूतड़ स्कूटर रखे है सामने, गाइस खुजाएंगे उन पे चल के थोड़ी देर में। जो इधर आ गया गाइस, लद्दाख की वादियों में आ गया जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर। देखना भैया देखिए, देखो 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 मेरे भाई, एकदम मैं ये कह रहा हूँ, नीला एक आसमान है और एक ये नीचे है, परछाई है इसकी परछाई सीधा। कौन सा है फर्क है,
ये इंडिया का वो लेक है जो खूबसूरती को एक अलग नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाता है। आपको लग रहा है ये सामने पानी है, और ये पानी नहीं है मरीदा मेरा भाई, पर यही चीज लद्दाख को खूबसूरत बनाती है। जो कहीं नहीं है वो लद्दाख में है, इसलिए कहते हैं मोटवानी जी आई लव लद्दाख। बाकी मोटवानी जी दुखी हैं क्योंकि राज भैया ने साथ छोड़ दिया उनका, वो हमारी दारू छोड़ता है। दारू का बड़ा दुख है मोटवानी जी को। और अर्टिगा में टोयोटा का लोगो भी लगा रखा, ये टोयोटा ही है, टोयोटा भी बेच दी। टोयोटा डर रही है यार, बताओ चलने से भैया, थोड़ा आराम से है नी शेर। ये गाइस हम आ गए हैं पेंगोंग लेक, जो थ्री इडियट वाले आमिर भैया थे ना वे चूतिया से, वहां पर आए हैं हम। जो आमिर भैया चूतिया थे, उन चूतिया भैया ने यही ज्ञान दिया था फोकट का, देखे फोंकोस वांगड़ो, फोंकोस वांगड़ो ने यही अपने कांगड़ो रगड़े थे गाइस। हम फोंकोस वांगड़ो से कहना चाहते हैं कि हमने भी इंजीनियरिंग करी हुई है, हमारे भी पर्चे पे साइन करे। चलो लेक पे पहुंच कर दिखाते हैं आपको। यह है लेक, और लेक का पानी देखोगे, पानी देखो चिल्ड भी और अंदर इतना मतलब नीचे डस्ट है, फिर भी ये देखो सरप अपने आप धो रहा है। देखो लेक का पानी सरप तो गल गल दूरा ना। यह लेक, ये लेक 70% चाइना के हिस्से में और 40% जो उसने का वो गंदी वो बता रहा है। हमारे ड्राइवर ने बताया, ये हमने कहीं पढ़ा नहीं है भाई। हाँ 70% उसने बोला कि चाइना के हिस्से में है। अब बाकी हम देखेंगे विकिपीडिया पे देखेंगे, जब उसने ऐसा बोला है तो। बाकी एक दिन ऐसा भी होगा कि पूरा चाइना भी 100% इंडिया के पास होगा, ऐसी बात नहीं है। ये देखो यहाँ पे करी थी आमिर भैया ने अपनी शूटिंग थ्री इडियट की, जिसके स्कूटर और ये धरे अपना सारे उपकरण, और ये लेक है पेंगोंग लेक जिसको बोलते हैं। और देखो अपना तिरंगा लहरता हुआ कितना प्यारा लग रहा है, और ये वादियाँ हमारे तिरंगे की शान को और दुगना कर देती हैं। तो यहाँ हम एक ही बात बोलेंगे, जय श्री राम जय श्री श्याम। ड्राम रूम वगैरह देखते हैं।
हाई एल्टीट्यूड पर है ये भी, हाई एल्टीट्यूड की वजह से यहाँ सांस की प्रॉब्लम बन रही है, तो रूम वगैरह लेंगे और रूम वगैरह लेकर करते हैं स्टे की तैयारी, तो मिलते हैं रूम के, रूम वगैरह लेते हुए दिखाते हैं आपको कहाँ लिया क्या लिया कैसे लिया। वहाँ से निकलने के बाद कंटिन्यू वाटरफॉल ऑन रोड बने हुए हैं, नोटवानी जी तेरी तेज आई तो भैया पैदल जाकर देखा एक बंदा नहीं उसको आने को इसमें गाड़ी तो आराम से निकल जाएगा लेकिन खड्डा किधर है वहाँ वो देखने को गाड़ी को गड्ढा नहीं है ये थोड़ा बहुत पत्थर आए हुए है ना जो यहाँ तो मजदूरी भी हिस्से ना आ रही है। सात बज चुके हैं और ले लिया है आज फिर सेम कैंप, पर आज का कैंप थोड़ा पेंगविंग लेक के पास ही है, सामने पेंगविंग लेक आपको दिखाता हूँ और कैंप दिखाता हूँ, वहीं नाइट स्टे करेंगे। यहाँ बस एक प्रॉब्लम है वाईफाई वगैरह का इशू है, वाईफाई नहीं मिल रहा तो बिल्कुल कट ऑफ पब्लिक से घर वालों से सब से, तो आपको दिखाता हूँ कैंप वगैरह अपने। ये कैंप है जो मानगांव करके पड़ता है, ये कोई जगह मानगांव लेक है सामने, ये रहा हमारा फेवरेट पेंगोंग लेक जिसके लिए दिन दूर आते हैं। ये अपना कैंप है मतलब राउंड शेप में है, ये सामने ओनर बैठी है हमारे कैंप की, ओनर लेडी शोबिन नोट। ये सामने हमारा कैंप, ये रहा कैंप, ये कैंप हमारा बस नेटवर्क इशू है मतलब कि वाईफाई से और तुम दुनिया से कट ऑफ है, बाकी सब अच्छा है। बाकी चलो एक दिन के लिए भी सही, सामने लेक और सामने पहाड़ और ये फॉरेनर्स बैठे हैं कुछ विदेशी, अपना देश का तिरंगा। और ये सिटिंग एरिया है आपको दिखाते हैं, आप चाय बुलवाए बुलवा लो। फॉरेनर्स के साथ खाना पीना खाया और अब सोने की तैयारी करेंगे भाई, पूरे दिन हो गए थके पड़े हैं। फोन फायर नहीं सुनियो, फोन फायर। ये रात का नजारा मोटवानी जी फुल मजे लेते हुए फोन फायर के बाद पेंगोंग में अभी इस टाइम हम होने की तैयारी करेंगे फिर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो क्या हाल है सबके, होप से सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको पता है अभी हम लद्दाख ट्रिप पे हैं, तो अभी हम हैं पेंगोंग लेक पर, ये पीछे पेंगोंग लेक ब्लू ब्लू पानी आपको दिख रहा होगा, और हम रुके हुए हैं यहीं पे कैंप में। तो आज 20 तारीख और अभी हाँ 6 बज रहे हैं, 6 बजे से बच्चा और अब निकलने की तैयारी है, ये घड़ी हमारी गाड़ी, तो अब निकलेंगे और देखते हैं बाकी क्या प्लान बनता है। बाकी रात यहाँ बहुत प्रॉब्लम हुई पेंगोंग में, मतलब ये मान लो पूरी रात सिर में दर्द रहा, हेडेक और नींद आई नहीं, तो अभी चाय पी के बात करते हैं आपसे यार। तो गाइस 7:30 बज चुके हैं, निकलने के लिए फुल्ली रेडी, अब जाएंगे चांगला पास, चांगला पास होते हुए
फिर आगे देखते हैं क्या विचार बनता है। हाथ पैर कैसे हो गए, होट पोट सब फट गए रहे। सिक्योरिटी लगा गाड़ी में ये पहुंच गए हम चांगला पास। हर पास पर पहुंच गए और बड़ी दिक्कत रह गया। आज भैया ये चांगला पास है 17,688 फीट। खड़े होने में भी दिक्कत है यहाँ। आर्मी कैंप वगैरह भी है। वेलकम टू चांगला टॉप। टैक्सी वाले भाई गाइस साहब, सासु मोटा ही साहब, बढ़िया खाली है। ठीक है भैया,